आगे से बियर लेंगे और थोड़ा छानेंगे उठेंगे। जब नशा हो जाए फूल तो एक बियर के लिए बार में जाके पी ले, ये जुगाड़ जैसे मैं बताता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है फेस्टिवल जगह नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों अब रात हो गई है यहाँ पे, तो अब हम सर्च करते हैं पोखरा की रात की नाइट लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, मतलब जुगाड़ वगैरह। तरह तरह के आपको यहाँ पे बार मिलेंगे और बार के साथ साथ यहाँ पे टूर और ट्रेवल्स की एजेंसियाँ मिलेंगी। बार में आप अपना ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं, और बार में तो मैं कहूँगा कि यार जैसे हर वीडियो में कहता हूँ बार की ड्रिंक वगैरह महंगी होती है, तो बार की ड्रिंक वगैरह से आप बचे हैं, आप नॉर्मल दुकान से ले लें, कहीं भी बैठ के अपना पी लें यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे। हाँ, कूड़ा मत फैलाएं, गंदगी मत फैलाएं, उपद्रव ना करें, ठीक है, बाकी कोई कुछ नहीं बोलता, आप इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ स्ट्रीट फूड, बहुत दिन हो गया कुछ स्पाइसी वगैरह नहीं खाया हूँ। हर जगह आपको बियर वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी, आपको बता जैसे पूरे नेपाल में आप किराने दुकान से लेके कहीं भी आपको बियर शराब मिल जाएगी। यहाँ पे ओयो भी है, आप ओयो भी कर सकते हैं, ओयो पोखरा डालेंगे तो आ जाएगा, तो ओयो भी आप बुक कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह यहाँ पे हमको बाली वाली फीलिंग आ रही है। अगर आप बाली में जा रहे हैं, उबुद वगैरह जाएंगे ना, तो उबुद वगैरह में ऐसी फीलिंग आएगी जिस प्रकार यहाँ अभी आ रही है। पूरा पोखरा का टाउन एरिया है और यहाँ पे अभी ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है, देखिए एकदम पूरा शांति माहौल है, बिकॉज ड्यू टू कोरोना की वजह से यहाँ पे अभी कोई पर्यटक बहुत कम है और लोकल ही आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। यही कोरोना जब नहीं था तब अगर आप यहाँ आते तो आपको ये रोड गचागच भरा हुआ मिलता, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा नज़ारा है, दुकानें वगैरह खुली हुई हैं। इंडिया के खाप का, इंडिया के अपने अपने भारतीय काफ़ी सारे, अपने भारतीय काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, रियल जूस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो कि इंडिया से आती हैं यहाँ पे, कपड़े लत्ते ताम झाम सब कुछ ले सकते हैं। करेंगे एक दिन आपको पोखरा टाउन की भी दिन में अच्छे से शॉपिंग कराएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये देख लीजिए, हाँ तो फिलहाल अभी शांति शांति है, ये शहर है अमन का, यहाँ तो सब शांति, काफ़ी सुकून, काफ़ी कल्चरल और अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों को, ऐतिहासिक प्राचीन इमारतों को दर्शाता हुआ काफ़ी खूबसूरत देश नेपाल। देख सकते हैं ये मेन रोड आ गया, सोच रहा हूँ एक आध दो बियर मार के शैतान को जगा लूँ, लेकिन अभी देख लो, अगर शैतान जाग गया तो उसको जो जो चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा नहीं, पहले रिसर्च बेटा, रिसर्च कंट्रोल, उसके बाद साफ स्वच्छ और सुरक्षित घपा घप का प्रबंध है या नहीं, रिसर्च करते हैं अपन। वेलकम टू नेपाल, थैंक यू। बताइए किस रोड पे हम आ गए, हम अभी उस रोड पे आ गए हैं, ऐसे हम पैदल पैदल जाएंगे तो बस पार्क आ जाएगा, समझे, तो इधर जाना हमको नहीं लगता कि उचित है, उचित है क्योंकि पर्यटक जो है थोड़ा सा जगह वो पोखरा है, पर्यटक स्थल, और वहाँ हम पर्यटक स्थल जो हमारा हॉस्टल जो है
वो सीधी एरिया में है तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन यार ढूंढ रहे हैं कुछ चटपटा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्या कहती है बंदी? तो दोस्तों अगर पोखरा में अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं तो बाइक रेंट का चार्ज है 1000 रुपये से स्टार्ट है, 1500-2000 तक आप ले सकते हैं। स्कूटी आप लेते हैं 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको अगर अभी लेते हैं सर जितने बजे 24 घंटे के लिए ना, 24 आपको 1500 में दे सकता है नाउ टू अंटिल टुमारो सेम टाइम इन स्कूटी। तो 24 घंटे के लिए भाई साहब हैं ये आपको 1500 रुपये में 24 घंटे के लिए आपको स्कूटी देंगे। 1500 नेपाली रुपीज अगर इसको भारतीय में हम कन्वर्ट करें तो 950 होगा, 950 तो मतलब 950 रुपये में आपको 24 घंटे के लिए स्कूटी लेके आप यहाँ से सारंगपुर वगैरह जा सकते हैं और बाकी आसपास के पर्यटक स्थल घूम सकते हैं। तो सर का कार्ड है, बिजनेस कार्ड, बाबा ट्रेकिंग शॉप मैं इनका कार्ड अटैच कर दे रहा हूँ। अगर आप इनका एड्रेस वगैरह अगर पोखरा है तो आप यहाँ से बाइक वगैरह रेंट पर ले सकते हैं। प्रकार मार्केट बनी हुई है आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अपने शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं लेकिन चाहे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं, आप ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट और बार मिल जाएंगे यहाँ पे हर जगह, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और बार मिलेंगे। एक नहीं हज़ार डांस बार थोड़े कम मिलेंगे यहाँ पे कंपेयर टू थामिल, लेकिन उसके आधे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगे। ये देखिए पैरा राइडिंग का ऐसे पूरा वीडियो बनता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वो हम करेंगे। हिल ट्रेक इसका प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, तो भी थोड़ा पिछवाड़े पे मसाज कराना ज़रूरी है तो हम कराएंगे। आप देखिए पूरा गर्दा ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं तक मार्केट है। आपको और आगे का मैं दृश्य दिखा देता हूँ। तो पैसे निकालने के लिए वैसे तो काफ़ी बैंक हैं यहाँ पे, आप अपना मास्टर वीज़ा कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ बैंकों के मास्टर वीज़ा कार्ड काम नहीं करते जिस पे लिखा होता है नॉट एक्सेप्ट पेमेंट नेपाल एंड भूटान, तो उसको देख लें। लेकिन फिर भी आप इंडिया छोड़ने से पहले आप बैंक से बात कर लें क्योंकि बहुत सारे कार्ड काम करते हैं, ये देख लें। और यहाँ पर अगर ATM से आप पैसे निकालते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैसे निकालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ नेपाल का ATM यूज़ करें, जिसमें आपको 395 रुपये आपका अदर बैंक का ATM है तो चार्ज देगा, अगर स्टेट बैंक का ATM है तो 95 रुपये।
नेपाली। तो अगर हम बात करते हैं अगर डांस बार की, तो डांस बार पोखरा में दो तीन ही हैं। एक देखिए इधर है बेली डांस बार, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बियर भी वही 750 रुपए की है, जो कि सेम आपका काठमांडू में था वही रेट यहाँ पे भी है। और डांस बार में वही चीज़ होता है जो आप डांस देख सकते हैं, लड़कियाँ डांस करती हैं वो देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ भी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेम जो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया वही क्राइटेरिया है, सेम जो मैंने बताया था वही क्राइटेरिया है। क्योंकि अगर किसी भी डांस बार वगैरह में आप जाते हैं तो जैसे कि किसी भी डांस बार वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी डांस बार में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर कोई दल्ला, अगर कोई आदमी बाहर से मिल रहा है तो वो आपको पकड़ के ले जाए तो उसका 10% कमीशन रहेगा। प्लस जैसे ही आप बार में घुसोगे लड़की आएगी, लड़की आप बैठोगे लड़की आपके साथ आएगी एकदम, थोड़ा चुम्मा चाटी वगैरह और बियर वगैरह आप बियर पियोगे, वो भी बोलेगी मेरे लिए ऑर्डर कर दो, आप ऑर्डर करते जाओगे। लड़की का काम है बिल बनाना, क्योंकि लड़की को आपका जितना भी बिल बनेगा उसको उसको उस बिल में से 20% कमीशन मिलेगा। ये पूरे काठमांडू क्या बाहर की कंट्रियों का भी यही रूल है, लेकिन नेपाल का तो मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ से श्योर हो जाएं। ठीक है, तो ज़रूरी ज़्यादा ना हो जब तक डांस बार ना जाए, और ज़्यादा नशे में डांस बार ना जाए। आपको यही बोलूँगा, आपको एकदम डांस बार जाना ही है तो आप एकदम दो मार्केट से बाहर, मार्केट से एक दो बियर लेके पी ले, मौसम बना ले अपना, फिर उसके बाद आप डांस बार जाएं, एक बियर पिए और अपना डांस बार देख, डांस उन्स देख के मज़े लेके निकल जाएं। लौंडी आएगी तो सीधे साफ साफ बोले, लौंडिया के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो लुट जाएंगे, और गांड फटे तो मुझे मत बोलना, मेरा डायलॉग भी रहेगा क्योंकि रात का ब्लॉग है भाई, बहुत काली वाला। मित्रगणों अब मुझे थोड़ा अगड़म बगड़म खाने का मन कर रहा है, थोड़ा एक बियर लेंगे और थोड़ा अब हम मंजरा पान करेंगे। तो मित्रों, पोखरा या किसी नेपाल में अगर आप आएँ तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा बियर पीने के लिए या ड्रिंक करने के लिए, आप लोकल शॉप से, किसी जनरल शॉप से, कहीं से भी आप लेके पी सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बकायदा बार में पीने से जब नशा हो जाए फुल, तो एक बियर के लिए बार में जाके पी ले। ये जो बार जैसे मैं बताता हूँ वो कर ले। देखिए, मैं यहाँ से वही था कि दुकान है जनरल स्टोर, यहाँ से मैं टूबर का बियर ले रहा हूँ और एक कुरकुरे लिया है, यहाँ कुरकुरे मिलता है नेपाल में। और इधर ही बैठ के, यहीं कुर्सी है, यहीं पर बैठ के छानूंगा घोटूंगा। कितना पीस? 10 पीस। और अगर आप पोखरा में पानी पूरी खाते हैं, चाहे वह ले वाली खाएँ, ये आपको 60 नेपाली रुपए की एक प्लेट आएगी, जिसमें कितना, 6 पीस आएगा, 6 पीस आएगा, 10 पीस, जिसमें 10 पीस आपको पानी पूरी मिलेगी। तो मित्रों, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, कोऑपरेट कर लेना। अब हम इसे दुकान से बियर लिए थे और अपने बियर हम ये अभी टूबर्ग बियर और ये कुरकुरे का चखना छान रहे हैं। छानने के बाद सब बंद हो गए, जाएंगे और फिर सो जाएंगे। अब क्या करेंगे, छानने के बाद देखते हैं क्या मौसम होता है। एक बियर तो छान लिया और दूसरा बियर मैंने नहीं छाना, पूछे क्यों, क्योंकि यार वो माहौल ही नहीं है ना, मज़ा ही नहीं। 10 बजे बंद थे, कुछ क्लब खुले हैं तो हाई फाई वहाँ पर, कुछ क्लब खुले हुए हैं लेकिन कोई मज़ा नहीं है वहाँ पर, समझे, कोई मतलब नहीं है। तो यार एक बियर छाना वहाँ दुकान से लेके, जैसे कि आपके सामने लिया था, और उसके बाद अब थोड़ा हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई नहीं, नाइट लाइफ को डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं है। डांस क्लब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। और जैसे जैसे रात हो रही है ना, देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत तेज। सो भाई लोग, आप देख सकते हो रात के भी 10:53 हुए हैं, ये देख लो, अबे दिख जाए यार, दिख जाए
तो पहाड़ी रास्तों से अकेले आ रहे हैं, पूरा सुन्न सपाटा हो गया लौड़ा यहाँ। ये देखो पूरा सुन्न सपाटा, कोई एक चिड़ई का पुत्त नहीं दिख रहा है। देखो इधर पूरा पूरी रोड खाली है, दिख रहे हो? ये देखो पूरी रोड खाली है, पूरी पोखरा की पूरी। देखो इधर देखो, ये देखिए पूरी रोड खाली है, एक चिड़ई का पुत्त नहीं दिख रहा है। और हम पैदल पैदल चल के लौड़ा आ गए। थोड़ा दूर अभी, थोड़ा दूर और है अभी मेरा हॉस्टल। एक गाड़ी आई सामने से, दिखाता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं अपने जॉस्टल हॉस्टल, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। ये था हमारा आज का पोखरा के पोखरा टाउन सिटी टूर नाइट लाइफ का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ पूछताछ या कुछ सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो पृथ्वी चौक वाली बस में आप बैठ जाइए, आप सीधे डेविस वाटरफॉल के पास आ जाएंगे और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है डेविस फॉल पोखरा से, मैंने आप देख लीजिए।